हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप हाँ, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम नेम है एमसी इंडिया ऑफिशियल। आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर जुड़ सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड सॉरी मिक्सर एंड इरिगेशन का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है? जिससे हम लोग कुछ आपको बेसिक से कुछ आइडिया लग जाएगा हम लोग क्या करना है। चलिए हम लोग देखते हैं मिक्सर एलिगेशन का जो बेस किस चीज़ पर रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस होगा आपका जो क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस होगा। हम लोग क्या क्या डाटा चाहिए देखिए, और कहीं भी आपका सीपी दिया हो दो वैल्यू, जो थर्ड पार्ट होगा वो भी हम लोग को क्या होगा, सीपी में होगा। इतना समझ में आया? फिर देखिए, और कहीं भी एसपी दिया हो, आपको एसपी दिया हो, क्या होगा, थर्ड पार्ट भी सब एसपी में ही होगा, सब एसपी में होगा। प्रॉफिट है तो हमारा सब पार्ट क्या होगा, प्रॉफिट में होगा, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर लॉस है तो सब पार्ट क्या हो जाएगा आपका, सब पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका, लॉस में हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 15 सेकंड है आपके लिए। आपके पास ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन है 5:3, बी ऑप्शन है आपका 3:5, ऑप्शन सी आपका 4:5, और आपका ऑप्शन डी है 5:4। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए आप, और हाँ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी सभी कोई सॉल्व करे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन व्हाट रेशियो अ शॉपकीपर मेक्स 20 RS/kg राइस विथ RS 28/kg राइस सो दैट SP ऑफ द मिक्सचर विल बिकम RS 30। इसे क्या हो कि जो एसपी हो जाए कितना हो जाए, 30 रुपये हो जाए। इफ ही सेल्स गुड एट 20% प्रॉफिट, जिस पर क्या उसको 20% प्रॉफिट हो। देखिए हम क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए क्या दिया हम लोग का SP दिया हुआ है 30। इतना समझ में आ गया? ये जो दिख रहा है आपका 20 रुपये 28 रुपये सब सीपी में। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको देखिएगा, प्रॉफिट हो रहा है आपको 20%। कितना हो रहा है, 20%। अब 20% का फ्रेशर आपका कितना होता है, 1/5 होता है, और 5 रुपये का सामान है उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 रुपये में बेचा होगा, कितना रुपये में, 6 रुपये। पर क्वेश्चन क्या करा, 30 रुपये में बेचा है, 6 किसके बराबर है, 30 से कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स में। तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 5 करते क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमारा जो सीपी हुआ है वो कितना हो जाएगा, CP 25 हो जाएगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। पहला कितना बेचा, पहला 20 रुपये में बेचा है, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट आपका 20 है, सेकंड क्या है, सेकंड आपका 28 है, और जो थर्ड यहाँ पर आपका सीपी निकल ही गया है, थर्ड क्या सीपी निकला आपका 25। ये जो 25 होता है वो बीच का वैल्यू होता है, किसके, 20 और 28 के बीच में ही जो वैल्यू आता है वही होता है हम लोग का थर्ड वन। अब चलिए आप इसको, आपको पता है आगे क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ बड़ा कौन है, यहाँ 25 है, उसमें से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3:5 होगा। तो यही तो आपका आंसर में पूछा था, बस इतना ही करना था। तो आप लोग का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ दिमाग लगाना था, हम लोग को दिमाग बस इतना देखना था, जो एसपी दिया था उसको सीपी में कन्वर्ट कर देना था। यहीं पर हम लोग को अगर इतना आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? देखिए यहाँ जो दिया था वो एसपी था, ये जितना दे रहा है मिक्स कितना पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस में मिक्स कर रहा है, और यहाँ एसपी था, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीपी में कन्वर्ट करेंगे। आई जब इतना बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 20% होगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सीपी हम लोग कितना आया, सीपी देखिएगा हम लोग आया 25, उसके बाद हम जो प्रोसेस है वो कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सोल्व करना, इसके लिए आपके पास है 15 सेकेंड। सभी कोई ट्राई करें, ठीक है, जिन्हें आ रहा है वो भी ट्राई करें, जिन्हें नहीं आ रहा है वो भी ट्राई करें, बाद में मैं तो सोल्व करूंगा ही। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ए इजकल टू 1:3, आपका ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 2:3, आपका ऑप्शन डी है 3:2। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए आप, आपके पास है 15 सेकेंड, ठीक है। हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे मिक्सर एलिगेशन का, जितना भी टाइप होगा 6 या 7 हम लोग टाइप वाइज वीडियो बनेगा, आप डेली देखिएगा, ठीक है। रोज का आपको सुबह 8 बजे अपलोड हो जाएगा वीडियो, और पूरे हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, नेक्स्ट आपका होगा, ठीक है, जितना होगा सब वीडियो आपको वहां पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा एमसीडी ऑफिशियल ग्रुप में। सॉल्व कीजिए इसको, आज हम लोग का जो मिक्सर एलिगेशन है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड पे है, ठीक है। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस चीज पे बेस रहेगा,
कल वाला हम लोग का होगा मिक्स एलिगेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कल वाला बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स शुगर एट 75 पैसा पर केजी विथ शुगर एट 48 पैसा पर केजी। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, दो शुगर है, ठीक है, 72 रुपया पैसा पर केजी है, 48 रुपया पैसा केजी है, दोनों को मिक्स करने पे देखिए क्या कर रहा है। सो डेट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 63 पैसा, और दोनों को मिक्स करने पर कितना रुपया बेच रहा है, 63 रुपया बेच रहा है, एंड उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ देखिए गेन कितना हो रहा है, 1/6 गेन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ सेलिंग दिया हुआ है, हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, गेन कितना का हो रहा है, गेन देखिएगा आपका हो रहा है 1/6, मतलब 6 रुपये का सामान था, और सेलिंग प्राइस कितना दिया, एसपी दिया हुआ आपका 63, 6 रुपये का सामान था, उसका प्रॉफिट कितना पड़ा है, 1 रुपये का हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 रुपये में बेचा हुआ, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 महीने कितना बेचा है, 63 में बेचा है, 7 से कितने टाइम्स में कटेगा, तो 9 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी जो हम लोग सीपी होगा आपका नीचे वाला सीपी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 9 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 54 आ गया, ठीक है। अब सीपी न्यू सीपी वाला क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और सर ये अगला पार्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कितना रुपये बेच रहा है, एक आपका पार्ट है 72 रुपया, 72 पैसा, एक कितना आपका 48 रुपया। अब नया वाला जो सीपी आया है जिसमें ओवरऑल जब मिक्स कर दे तो कितना में बेच रहा है, जब मिक्स कर दे रहा है तो 54 में हो जाएगा। देखिएगा जो बीच वाला वैल्यू होता है, ठीक है, ये एक से बड़ा होगा, ठीक है, और एक से छोटा होगा, तो यहाँ देखिए 48 से बड़ा 54 है और 72 से छोटा 54 है। तो चलिए इसका निकाल लीजिए आप, क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे घटाएंगे, तो यहाँ देखिएगा 54 में से 48 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, और 72 में से 54 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो 1:3 होगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का, देखिएगा ऑप्शन ए सही है हम लोग का, तो ऐसे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये अगर आप कर लिए, ठीक है, सबको क्या कीजिए, सीपी में सब है, सब सीपी में है, ठीक है, हम लोग मिक्स करके बेचेंगे वो भी क्या हो जाएगा, सीपी निकाल लेंगे तब हम लोग का निकल जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, इसको आप बनाओ, इसका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, इसे हम लोग कॉस्ट प्राइस पता करना है, ठीक है, कितने रुपए में बेचा वो हम लोग को निकालना है। देखिए आपका पहला क्या है, यहाँ 9 रुपीज 50 पैसा है, आपका ऑप्शन बी है 11 रुपीज 25 पैसा हो जाएगा, पैसा हमारा निकालना हो जाएगा, आर एस निकालना हो, जो भी देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए सोल्व करना, ठीक है। एक आपका है 11, लास्ट ऑप्शन आपका डी है 10.80। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको आपको मिलता है 20 सेकेंड, इस क्वेश्चन के लिए आपको, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 20 सेकेंड, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सब सब किसी को सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी आप स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। सभी कोई सॉल्व करेंगे, ठीक है, जल्दी से कीजिए, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या करा है, द लिक्विड एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2। अगर लिक्विड क्या दिया हुआ है, एक लिक्विड एक्स दिया है, एक लिक्विड वाई दिया है, रेशियो कितना दिया हुआ है, देखिए रेशियो दिया हुआ है 3, ठीक है, रेशियो 2, इतना आपको समझ में आगे पढ़ते हैं। ही सोल्ड एट RS 11, मिक्सर इज सोल्ड एट RS 11, मिक्सर कितने रुपये में बेचा जा रहा है, 11 रुपये लीटर, 11 रुपये में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपको 10% हो रहा है। देखिएगा जब एसपी आपका 11 दिया हो, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है 10%, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है, और 10 रुपये का सामान है और 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो कितना बेचेगा, तो 11 रुपये में बेचा हुआ, अगर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, पर एसपी भी क्या दिया हुआ है, एसपी भी 11 दिया है, कितने गुना ज्यादा है, तो देखिएगा 1 गुना ज्यादा है, जो हमारा सीपी नीचे वाला सीपी होता है ये भी क्या हो जाएगा, 1 गुना ज्यादा हुआ, सीपी हम लोग क्या आ गया, 10 आ गया, जो हम लोग सीपी आया कितना आया, 10 आया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई मान लिए, ठीक है, इन लोग का जो सीपी है कितना हो जाएगा, ठीक है, या इन लोग का सीपी जो होगा जब मिक्स करके बेच रहे तो 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लिक्विड एक्स कॉस्ट इज RS 2 मोर पर लीटर देन वाई। तो मान लीजिए जो एक्स का कॉस्ट है वो क्या है, वाई से 2 रुपये ज्यादा है, ये हम लोग ये मान लेते हैं, और एक्स क्या मानते हैं, A+2 मान लेते हैं, इतना समझ में आ गया। चलिए अब जो प्रोसेस हम लगाते हैं, मिक्सर एलिगेशन करते हैं, बड़े वाले में से छोटे घटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ बड़ा कौन है, तो यहाँ देखिएगा 10 और ये में बड़ा क्या है, यहाँ पे 10 माइनस ये हो जाएगा,
फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस टू बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ ए प्लस टू हो जाएगा और माइनस टेन होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन माइनस ए हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए माइनस एट हो जाएगा। अब इतना तो हो गया, अब देखिए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे लोग ए का। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, अब देखिएगा टेन टेन माइनस ए, ठीक है ए माइनस एट किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ रेशियो देखिए दिया हुआ ऊपर थ्री और टू दिया हुआ है, क्या हो जाएगा ये थ्री और टू हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी हो जाएगा माइनस टू ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका थ्री ए माइनस ट्वेंटी फोर। अब ए को एक साइड ला लीजिए, ठीक है क्या कीजिए, ए को एक साइड लाइए तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा फोर्टी फोर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइव ए। जब सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आपका आएगा 8.8। हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा, किसका वैल्यू निकालना हम लोग का, देन द कॉस्ट ऑफ एक्स पर लीटर निकालना है, एक्स का निकालना है, ठीक है। तो एक्स देखिएगा यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू कितना है ए प्लस टू है, एक्स एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए प्लस टू दिया हुआ है, ये हम लोग कितना आया, तो ए देखिएगा यहाँ पे 8.8 आया है, तो 8.8 में प्लस टू कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 10.8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बार देख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन मैं लिखता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो खुद से, इसीलिए भी आपके पास है 20 सेकेंड। आपका ऑप्शन ये है एट, बी है 15, आपका ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 12। चलिए इसको जल्दी से आप ट्राई कीजिए सोल्व करना, सभी को सोल्व करना है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर लो सोल्व करना। सभी को सोल्व करना है, ठीक है। सभी किसी को सॉल्व करना, तो स्टार्ट हो जाइए सॉल्व करना सब किसी को। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर टाइम समाप्त हुआ, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टू वैराइटीज ऑफ व्हीट आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:5, कितने रेशियो मिक्स किया जा रहा है, 2:5 में मिक्स किया जा रहा है, एंड मिक्सचर सोल्ड एट ₹13, मिक्सचर कितना बेचा जा रहा है 13 रुपीज में, एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है, जब 13 रुपये बेचा बेचा जा रहा है तो 30% प्रॉफिट हो रहा है। इफ द फर्स्ट वैरायटी कॉस्ट इज ₹7 मोर देन द सेकेंड वैरायटी, जो फर्स्ट वैरायटी का कॉस्ट है वो कितना है, 7 ज्यादा है, 7 रुपीज ज्यादा है किससे, आपके सेकेंड वैरायटी से। हम लोग पता क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वैरायटी, हम लोग क्या करना है, फर्स्ट वैरायटी का कॉस्ट पता करना है। तो देखिए हम सबसे सिंपल बताते हैं, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ का क्या लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, ये आपका फर्स्ट वैरायटी हो गया, आपका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इन लोग का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है, ऊपर देखिएगा इन लोग का रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है आपका 2:5 दिया हुआ है। आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे क्या कर रहा है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ आगे आते हैं। फिर पहले हम लोग क्या कर रहा है, कितना और बेच रहा है मिक्सर को, तो मिक्सर को देखिएगा वो कितना बेच रहा है, 13 रुपये बेच रहा है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 30% हो रहा है, और 30% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 3/10 होता है, और 10 रुपये सामान है उसको 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना बेचा हुआ, 13 रुपये में बेचा हुआ, और क्वेश्चन में क्या करा, 13 ही रुपये में बेचा है, तो कितने गुना ज्यादा है, तो 1 गुना ज्यादा है, जो हम लोग का ये सीपी नीचे वाला सीपी होता है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा, तो जो हम लोग का न्यू सीपी आया वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, जो मिक्सर है उसका, ठीक है। देख पर क्वेश्चन क्या करा, इफ द फर्स्ट वैरायटी कॉस्ट इज ₹7, जो फर्स्ट वैरायटी का कॉस्ट है कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, किससे, फर्स्ट वाले से, इतना समझ में आ गया। वो टोटल को बेच कितना में रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, टोटल को कितने बेच रहा है, वो 10 रुपये में, जो बीच वाला पार्ट है कितने बेच रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, और बड़े को छोटे से माइनस करना है, यहाँ माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 - x हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा आपका x+7 है, -10 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x और -3 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब चलिए जो पिछले वाला क्वेश्चन बनाए थे वैसे हम लोग बनाते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे पिछले वाला वैसे ही बनाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, 10 माइनस x यहाँ पे डिवाइडेड बाई x-3 हो जाएगा। इसका रेशियो दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा 2:5 दिया हुआ है, तो क्या कर लेंगे 2:5 कर लेंगे। अब आप सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये 2x-6 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना अगर आपको समझ में आ गया, देखिए क्या हो जाएगा, 5 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 56 हो जाएगा, या 7 से कितने टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया है देखिएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग आ गया 8। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वैरायटी, हमें क्या करना है, फर्स्ट किसका कॉस्ट निकाला हम लोग फर्स्ट वैरायटी का, था फर्स्ट वैरायटी का देखिए हमें कॉस्ट कितना दिया हुआ है, x+7 दिया है, तो क्या हो जाएगा x+7 दिया, तो एक्स का वैल्यू 8 है, +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम लोग ऑप्शन बी सही है, ऐसे हम लोग बना लेंगे इजी, हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, हेलो, इस तरह क्वेश्चन को आसानी से ऐसा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप सॉल्व करो, इसका ऑप्शन है ए इज इक्वल टू, सॉरी ए आपका ऑप्शन होगा 15, बी ऑप्शन होगा आपका 10, सी आपका ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है आपका 12। इसको सॉल्व कीजिए, कौन सा आपका सही ऑप्शन होता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलता है 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी सभी सभी कोई सॉल्व करे इसे, अभी तक आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपसे हो जाना चाहिए खुद से। सभी कोई ट्राई करे एक बार, देखिए क्वेश्चन क्या करा है, अ ट्रेडर हैज 25 kg राइस, ट्रेडर पास कितना राइस है 25, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 4% प्रॉफिट एंड द रेस्ट इज 9% प्रॉफिट। उसको क्या करा है, दो पार्ट में बेच रहा है, एक में क्या करा है 4% प्रॉफिट पर बेच दे रहा है, और सेकंड पार्ट में क्या करा है 9% प्रॉफिट पर बेच रहा है, एंड ही गेन 7% ऑन द होल, टोटल उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 7% हो रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 6% प्रॉफिट। यहाँ पे 6 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 9% हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 9% प्रॉफिट, हम लोग बताना है कितने क्वांटिटी को 9% प्रॉफिट बेचा है, ये हमको बताना है। देखिएगा टोटल कितना राइस दिया है, टोटल राइस हम लोग कितना है, टोटल टोटल राइस आपका कितना दिया है 25 kg दिया हुआ है। एक चीज देखने होंगे इसमें सबसे क्या है, सब में प्रॉफिट है, सब में प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, गेन गेन हो रहा है सब जगह, एक एक पार्ट को मानिए फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है, एक को क्या कर रहा है 4% प्रॉफिट में बेच रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है 9% प्रॉफिट में बेच रहा है, और टोटल जो ओवरऑल गेन कितना हो रहा है 7% हो रहा है, देखिएगा 7 हो गया। और हम क्या करते हैं एलिगेशन लगा लेते हैं, बड़े वाले में छोटे बटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, आपका रेशियो कितना है 2:3 आया। एक चीज और देखेंगे आप, यहाँ टोटल वैल्यू हम लोग कितना आया है, ये जोड़ने पर कितना होगा, टोटल यहाँ 2 और 3 कितना दिया हुआ 5 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कितना दिया है टोटल आपका 25 kg चावल, अगर 5 का वैल्यू 25 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। और हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक और चीज देखिए आगे, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 9% प्रॉफिट, अब 9% प्रॉफिट पर कितना क्वांटिटी बेचा है, तो देखिए 9% प्रॉफिट पर कितना आपका है 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का अगर 5 वैल्यू है तो 3 यूनिट का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हम लोग ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तो ऐसे हम आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को वो आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो, ठीक है, आपको इस पर मिलता है 30 सेकेंड, इसको खुद से आप ट्राई करो, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई करो,
आपका ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ट्राई कीजिए, सभी किसी को ट्राई करना है। सभी किसी को ट्राई करना है, स्टार्ट हो जाए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, अ ट्रेडर हैज 100 kg ऑफ व्हीट, टोटल व्हीट हम लोग कितना है, टोटल आपको का टोटल व्हीट कितना दिए हुआ आपका, 100 kg दिए हुआ। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, अ पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल्स एट 16% प्रॉफिट एंड रेस्ट इज 36% प्रॉफिट। क्या मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकेंड पार्ट है, अब क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को कितना कितना प्रॉफिट में बेच रहा है। देखिए, फर्स्ट पार्ट को आपको बेच रहा है 16% पे, कितना बेच रहा है आपका 16% प्रॉफिट पे। सेकेंड पार्ट को कितना बेच रहा है 36% प्रॉफिट पे, और ओवरऑल कितना बेच रहा है, ओवरऑल गेन कितना पूरा हो रहा है 28% हो रहा है। अब चलिए, हम लोग आपको पता है कि हम लोग कैसे निकालना है, तो निकाल लीजिए आप, चलिए निकालिए जल्दी से। जब माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका, ये 12 हो जाएगा। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 8 और 4 3 12, और टोटल आपका रेशियो कितना दिया है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, पर क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ 100 kg दिया हुआ है, तो 5 और 100 kg दिया हुआ है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा 20 में। पर क्वेश्चन हम लोग क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट क्वांटिटी सोल्ड एट 36% प्रॉफिट, 36% प्रॉफिट पर लोग क्या क्वांटिटी मिलेगा। देखिए 36 वाला का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 36 kg वाला का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हम लोग देखा है यहाँ पे 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायरेक्ट 60 आंसर हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का देखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपसे बन जाएगा, और इसे ही क्या दो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, चाहे वो नीम सेट हो, चाहे MSCT हो, तो चाहे वो अदर स्टेट MCA एग्जाम हो, फिक्स है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप, आपका ऑप्शन है टू हंड्रेड, आपका ऑप्शन बी है 500, आपका ऑप्शन सी है 800, आपका ऑप्शन डी है 750, और आपका ऑप्शन ई है नॉन ऑफ दी। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए आप, सभी को सॉल्व करना है, जल्दी से कीजिए इसे आप। सभी को जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जितना हो सके उतना सॉल्व करें, आप खुद से एक बार ट्राई तो कीजिए, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। लेकिन आप ट्राई कीजिए खुद से, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मैन परचेस्ड अ बुक एंड पेन RS 1300, क्या हो रहा है, मैन क्या कर रहा है, एक मैन है जो बुक और पेन किताब खरीद रहा है 1300 में खरीद रहा है, यह समझ आएगा, ही सोल्ड द पेन एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बुक्स एट 25%। देखिए क्या कर रहा है वो, मान लीजिए पेन हो गया, ये क्या हो गया आपका बुक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन का कह रहा है ही सोल्ड द पेन एट प्रॉफिट ऑफ 20%, पेन को क्या कर रहा है 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है।
और बुक को कितना प्रॉफिट में बेच रहा है, 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, आपका समझ में आ गया। इन दिस वे इस टोटल प्रॉफिट वाज 23/1/13%, 23/1/13% टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे इसका, निकालिए, ये सब माइनस कीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, आपका निकल जाए। देखिए इसको ऐसे ही हम सोल्व कर सकते हैं, देखिए ऐसा हम कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेन मान लेते हैं और एक बुक मान लेते हैं, एक 20 दिया हुआ है, एक 25 दिया हुआ है। जब आप सोल्व कीजिएगा 23/1/13, तब ये आपका आएगा लगभग, ये आपका आएगा 300/13, कितना आएगा 300/13। ये क्या करते हैं 300/13, अब यहाँ से 13 को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ भी क्या कीजिएगा 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 813 और 813 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बीच में क्या बचा, बीच में 300 बचा, तब सोल्व कर लीजिए इसको, एक बार और सोल्व करते हैं। यहाँ पेन दे दिया, यहाँ बुक दे दिया, ठीक है, यहाँ 23 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जाएगा 260 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 325, और बीच वाला वैल्यू कितना है, बीच वाला वैल्यू आया आपका 300। चलिए बड़े में छोटे को माइनस कीजिए, अब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा आपसे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। एक और चीज़ देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो वैल्यू 5 दिया वो पेन का है और 8 जो दिया बुक का है, लेकिन टोटल आपका 1300 दिया बुक और पेन का, तो जोड़ने पर कितना हो रहा है, जोड़ने पर 5 8 को जो दिया 13 हो गया, वो किसके बराबर दिया, 1300 के बराबर, मतलब एक कितने गुना के बराबर है, 100 गुने के बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, बुक का हम लोग पता करना है, तो कैसे पता करेंगे बुक का, देखिएगा बुक का हम लोग का रेशियो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू अगर 100 है, 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 800 हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन में मूव करते हैं, चलिए इसको आप बनाइए, ठीक है, आपके पास है 30 सेकेंड, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से इसे आप सॉल्व कीजिए। आपका ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है आपका 360, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी आपका 200 और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ 3। चलिए इसको जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। आपके पास 30 सेकेंड है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इधर सब कोई सोल्व करे, ठीक है, आपने लगभग 7 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि कैसे सोल्व करना है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए मिक्सर एलिगेशन का, आप जितना जितना हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में, आपको वहाँ पर क्वेश्चन भेज देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन इजी सोल्व कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मैन परचेस टू चेयर्स इन RS 900, टू चेयर्स हो गया, मान लीजिए फर्स्ट चेयर और सेकेंड चेयर, कितना खरीद रहा है वो आपको खरीद रहा है 900 में, इतना तो आपको आता होगा, इतना आप कर लिया होगा, ठीक है। ही सोल्ड फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स सीपी, 4/5 ऑफ इट्स सीपी का मतलब पता क्या है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है कितने पे, 4/5, मतलब अगर 5 रुपये दाम था तो कितना बेच रहा है, 4 रुपये बेच रहा है, मतलब उसको कितना घाटा हुआ, 1/5, एक उसको घाटा, तो 1/5 आपको पता है कितना परसेंटेज होता है, तो आपका हो जाएगा -20%, मतलब 20% लॉस पे वो बेच रहा है। फिर देखिएगा सेकेंड पार्ट वो क्या कर रहा है, सीपी ऑफ सेकेंड इज 5/4 ऑफ इट सीपी, सेकेंड जो सीपी है, जो ये मान लीजिए फर्स्ट सीपी है, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट सीपी हो गया, सेकेंड सीपी क्या है उसका, देखिएगा जो सेकेंड सीपी है, जो बेच रहा है सेकेंड सीपी, 5/4 बेच रहा है, मतलब 4 अगर CP है तो कितना बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, तो कितना फायदा हो रहा है, यहाँ 1 का फायदा हो रहा है, 1/4 आपको पता है कितना होता है परसेंटेज, क्या होता है 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट को ऐसा साइन दे देते हैं, निगेटिव को ऐसा साइन देते हैं। देखिए आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए एक चेयर ए हो गया और एक चेयर आपका ए हो गया,
पहले वाला क्या कर रहा है, माइनस मतलब 20% लॉस पे वो बेच रहा है, और दूसरे वाला क्या हो रहा है, उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है। आगे पढ़िए क्या करा है, इफ इन द टोटल होल प्रोसेस इज ही गेट्स 90 रुपीज, वो टोटल क्या करा है दोनों को मिलाकर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 90 रुपये हो रहा है। देन फाइंड द सीपी ऑफ द लोअर प्राइस ऑफ शेयर, जिसे लोअर प्राइस है उसको सीपी फाइंड करना है। देखिए वो टोटल 90 रुपये उसको फायदा हो रहा है, किस पे फायदा हो रहा है, तो 900 रुपये पर फायदा हो रहा है। 90 रुपये अगर फायदा हो रहा है 935 को, फ्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से ये 2 0 चल जाएगा, 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10% उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10% ओवरऑल हो रहा है उसको। अब चलिए बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा ना, यहाँ क्या करेंगे 10 माइनस माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15:30 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा, टोटल जो रेशियो हम लोग कितना है, टोटल रेशियो हम लोग का 3 है, पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टोटल रेशियो प्राइस कितना है 3 है, पर क्वेश्चन में कितना कर रहा है 900 है, 3 किसके बराबर है 900 के बराबर है, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 आपका 300 के बराबर हो जाएगा। इतना समझ आ गया, पुश क्वेश्चन क्या आ रहा है, देन फाइंड द सीपी ऑफ द लोअर प्राइस ऑफ द शेयर, लोअर प्राइस का लोग रेशियो कितना है 1 है, आपको पता है 1 का वैल्यू कितना है 300 आया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे हम लोग का 300 लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का, देखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, कल हम लोग जो पढ़ेंगे मिक्सर एलिगेशन किस चीज पे बेस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ट होगा, ठीक है। तो कल का क्लास करना भूलिएगा नहीं, हम लोग 5 6 दिन में आपका मिक्सर एलिगेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कुछ रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, आपके घर में जितने भी फोन है सब फोन में क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी फोन से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।